हेलो गाइस, तो ये है होटल रॉयल मेलांज बीकन अजमेर का रिव्यू। दो नाइट्स के लिए स्टे किया था हमने और दो नाइट्स का हमें जो टोटल कॉस्ट आया वो 5600 आया। जो होटल की लोकेशन है वो बहुत ही अच्छी लोकेशन है, बिल्कुल सिटी के सेंटर में है और सारी चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पे है। कहीं पर भी जाने के लिए आपको कार ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि अगर आपको अन्ना सागर लेक पे जाना है वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अगर आपको अन्ना सागर लेक के दूसरी साइड घूम के जाना है वहाँ तक शायद आपको ऑटो वगैरह लेके जाना पड़े या आपके पास अपनी कार है तो उससे जा सकते हो। पर अगर आपको अजमेर शरीफ दरगाह पे जाना है या ढाई दिन का झोपड़ा तक जाना है और उसके बीच में जो मार्केट है उसके अंदर जाना है तो सब चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। वहाँ पर आपको पार्किंग की भी दिक्कत होगी, गाड़ी अंदर जाएगी भी नहीं तो कार से जाने का कोई मतलब नहीं है। और ये जो होटल है इसकी लोकेशन बिल्कुल सेंटर में है, इसके साथ में मारुति सुजुकी अरीना का शोरूम है और सब कुछ अच्छी लोकेशन पे हैं सारी चीज़ें। लोकेशन के बाद मैं बात करूँ पार्किंग की, तो होटल के अंदर जो पार्किंग है होटल के सामने जो एरिया है उस एरिया में ही चार पांच गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं और होटल के नीचे बेसमेंट के अंदर पार्किंग है, बेसमेंट के अंदर भी पांच छह कार्स आराम से पार्क हो जाती हैं, तो पार्किंग की समस्या होटल में किसी तरह की नहीं है। अब होटल के रूम और क्लेनलीनेस की मैं बात करूं तो रूम जो है 3 स्टार के हिसाब से बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी पैकेज है। कहीं से हमें क्लीनलीनेस में कमी नहीं लगी 3 स्टार के हिसाब से। 4-5 स्टार वाली रॉयल फीलिंग ऑब्वियसली आपको नहीं आएगी क्योंकि होटल 3 स्टार है, बट 3 स्टार्स को ये होटल जो है वो जस्टिफाई करता है, तो अच्छा होटल है। एक ही चीज़ कहूँगा मैं, अगर आप होटल की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो दीवारों में आपको थोड़ी बहुत सीपेज देखने को मिलती है, लेकिन वो कहीं से प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्टे करने में कहीं पर ये फीलिंग नहीं आएगी कि होटल क्लीन नहीं है। वॉशरूम्स की मैं क्लीनिंग की बात करूँ तो वॉशरूम्स बहुत ज़्यादा प्लश नहीं है, बेसिक सिंपल वॉशरूम्स हैं लेकिन क्लीन है, तो होटल के स्टे में प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी इकोनॉमिकल स्टे चाहते हैं तो यहाँ पर आप आराम से रुक सकते हैं। इसके बाद मैं होटल की रूफटॉप की बात करूं तो रूफटॉप पे एक बैंक्वेट हॉल भी है जिसको लोग मैरिजेज या बर्थडे पार्टीज के लिए बुक करवा लेते हैं और वहां से जो है सनराइज़ का व्यू बहुत अच्छा आता है। तो अगर आप सनराइज़ कैप्चर करना चाहते हो, अजमेर में कहीं और नहीं जाते हो, आप वहां से होटल से ही कैप्चर करना चाहते हो तो आप होटल के रूफटॉप से कैप्चर कर सकते हो। और अगर आप बाहर जाके अजमेर में किसी लोकेशन से कैप्चर करना चाहते हो तो वो डेफिनेटली आप कर ही सकते हो। अब ब्रेकफास्ट की मैं बात करूं तो बुफे ब्रेकफास्ट में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा नहीं है, प्योर वेज मेन्यू रहता है, लेकिन ब्रेकफास्ट में जितने भी ऑप्शंस हैं टेस्टी हैं। अगर एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे हम 2 दिन स्टे किया तो दोनों दिन पराठे थे, तो पराठों का टेस्ट बहुत अच्छा था, मतलब आपको ऐसा घर जैसा खाना वाली फीलिंग आती है। तो ब्रेकफास्ट ठीक है, मतलब आप अच्छे से प्रॉपर वेज ब्रेकफास्ट करके फिर अपना अजमेर घूमने निकल सकते हो। तो गाइज अभी हम तारागढ़ फोर्ट जा रहे हैं और मैंने 1.5-2 किलोमीटर का क्लाइंब कर लिया है, रास्ते में एक स्पॉट पे रुके हैं। यहाँ से नीचे सिटी का बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ से सिटी का बहुत अच्छा व्यू आ रहा है,